देवारिया से आदित्य नारायण मिश्र, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। राज्य मंत्री महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग श्रीमती प्रतिभा शुक्ला से एक खास मुलाकात। हमारा तो कोई पार्टी का जो मन हो वही हमारा मन है। हमारे पार्टी का सबका साथ सबका विकास लेकर चलने की बात है और पार्टी सबको समाहित करे, लेकिन अपराधियों को पार्टी कभी समाहित नहीं करती अपनी पार्टी में। तो हम समझते हैं कि ईमानदारी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं और देखिए इसमें बहुत ही कार्य के लिए बहुत जोर दिया जा रहा है और हम लोग भी उसी पर काम कर रहे हैं। सारे लोगों को बिल्कुल एक भी मिनट आराम का समय नहीं है। 9:30 बजे मीटिंग के बाद हमें सीधे यहाँ पर आए, इसीलिए आए कि हमारे आंगनबाड़ी के सही चले और किसी भी तरह से लाभार्थियों को योजना है। हमारे जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उपरी नर्सरी स्कूल बना लिए हैं और उन पर सही सही कार्य किया जाए, बच्चों को उसमें भेजा जाए और बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी पूरी व्यवस्था के लिए हम सभी लोग उस लक्ष्य में लगे हैं। उसे 100 दिन में जो आप यहाँ आ गए, जैसे कोई घटना न घटती तो यहाँ आने का कोई चांस नहीं था, इसलिए आने का केवल यही रहा कि हमारा जो भी कार्य सुचारू रूप से चले तो हम लोग उस लक्ष्य में काम कर रहे हैं। सारे आंगनबाड़ी केंद्र हमारे सही से संचालित हों, अपने भवनों में संचालित हों, व्यवस्थित रूप से चलें और हमारे सुधार दर में किशोरों के लिए कहीं लापरवाही ना हो, नारी निकेतन हमारे व्यवस्थित चले और हमारी सुमंगला योजना को आगे दारूप में फंडिंग करने के लिए भी 15 दिन का टारगेट रखा गया है। निराश्रित महिलाओं की पेंशन के लिए भी रखा गया है। सब काम करने का अवसर देंगे तो उसके बाद हम बाकी बातें बता पाएंगे। जानकारी इस बात की मिली कि यहाँ पर अभी कुछ गड़बड़ चल रहा है बनखटा गाँव में। देवरिया में हम लोगों ने प्लान बनाया मुख्यमंत्री जी की मीटिंग के बाद 9:30 बजे खत्म हुई कि हम लोग आगे ही चल पड़े और यहाँ पर गोरखपुर रुके और यहाँ देवरिया आए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की मंशा है और हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। तो ऐसे में जब कोई गलत कार्य करता है तो ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और इस तरह से पैकेट द्वारा इसलिए बेचा जा रहा है, सबको दिया जा रहा है, हर आंगनबाड़ी केंद्र में पैकेट इसलिए भेजे जाते हैं कि कोई चोरी ना कर सके। दाल भी पैकेट में आ रही है, रिफाइंड पैकेट में आ रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी पैकेट चोरी हुए, ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक घटना है और इसकी जांच करने के लिए आए। इस पर जो भी वीडियो वायरल हुआ है इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी का कहना है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसमें चाहे अधिकारी हो और चाहे हमारे सप्लायर हो और चाहे हमारे आंगनबाड़ी विभाग। लाभार्थी भी इसको बेच रहे हैं क्या? लाभार्थी क्यों बेचेंगे? इतना मटेरियल तो खराब नहीं कि उसको बेचा जा सके। बढ़िया दाल है, बढ़िया रिफाइंड है, चावल है, सारी चीज़ें साफ सुथरी भेजी जाती है जिससे लोगों को लाभ मिल सके। सरकार की मंशा है कि हमारे आने वाले बच्चे मैडम बॉर्डर इलाका है, शहर की आंगनबाड़ी केंद्रों की है, यहाँ कई ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जो खोल नहीं रहे हैं। देखिए आंगनबाड़ी केंद्र जो है यहाँ पे अभी जो जानकारी मिली है, नगर में हमारे जो 900 आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो किराए पे चल रहे हैं, बाकी अपने भवन हैं। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि सब अपने आंगनबाड़ी जो भी केंद्र है वो अपने भवन पे चलने चाहिए, इसके लिए नई सरकार व्यवस्था कर रही है, लेकिन जो अभी जहाँ पर है यथा तो वहाँ चलाए जा रहे हैं, नहीं चल रहे हैं तो हमें बताएं उसके बारे में। मिले शिवपाल गांधी मंत्री जी ने कहा इस पर क्या कहती है, हम इस पर क्या कह सकते हैं? इसमें जिसको जहाँ मन वो जाए, इसमें हमारा कुछ भी कहना नहीं है। हमारी पार्टी की तो बात है नहीं, हमारी पार्टी तो अपराधियों को बचती नहीं है। बुलडोजर बाबा है शिवपाल जी का चर्चा की, शामिल तो हुए नहीं है, चर्चा से क्या होता है।